रशियन बीच गोवा। यस, आपने सही सुना, ये है गोवा का रशियन बीच। और मैं डायरेक्ट यहाँ पर लैंड कर गया हूँ। यहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, बट फिलहाल इसके आसपास दो एयरपोर्ट हो गए हैं गोवा में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि गोवा में रशियन बीच कहाँ है, रशियन बीच कैसे जा सकते हैं, एंड गोवा रशियन बीच लोकेशन, या फिर ये कहें रशियन बीच जाने का रास्ता भी बता दूंगा। लेकिन पहले तो रशियन बीच दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है गोवा का रशियन बीच, जहाँ पर आप भी आके मज़ा कर सकते हैं। ये भी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, मतलब आगे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेज हैं। ये तो अभी शुरुआत है, जहाँ पे इंडियन एंड रशियन मिक्स हैं। आगे चलोगे तो आपको और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आगे चल के आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि ये बीच कहाँ पर है, और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, और यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यह बीच नॉर्थ गोवा में है। वैसे तो नॉर्थ गोवा में हजारों बीच हैं, लेकिन ये जो रशियन बीच बेस्ट बीच है रशियन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनके रहने के लिए चीपेस्ट रूम मिल जाते हैं, लोकेशन अच्छी है, क्राउड कम है, मतलब इंडियन क्राउड कम है, जिससे वो बिकनी वगैरह में कैसे भी नहा सकते हैं। इंडियन घूर घूर कर नहीं देखेंगे, जैसा कि आप भी इंडियन हो, बहुत घूर घूर कर देखते हो, तो इसलिए उनके हिसाब से बहुत बेस्ट बीच है। और वहाँ पर रहने का स्थान, यहाँ पर रहने का स्थान बहुत सस्ता मिल जाता है, इसलिए इस बीच के आसपास रहते हैं। तो ये है गोवा का अरंबुल बीच, जिसे रशियन बीच के नाम से जाना जाता है। और यह बीच पंजिम सिटी से 35 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है 35 किलोमीटर। तो आप सोच समझ के आना, स्कूटी या बाइक रेंट पर लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं बैठ गया हूँ इस सैक्स में, और इस रशियन भाई साहब से बात करने की कोशिश करूँगा। सैक्स में बैठने का कोई चार्ज नहीं है, बट मिनिमम 500 का आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और अलग अलग रेस्टोरेंट वाले अलग अलग कंडीशन बना के रखते हैं, और कुछ रेस्टोरेंट वाले तो कोई कंडीशन नहीं होती है। तो चलिए थोड़ा बात करता हूँ। I rented scooters. It's easier because you are alone. Yeah, it's easier because scooters can park anywhere, can go anywhere, but car can't go everywhere. We need a parking, car parking. Mm-hmm. In scooters we can go anywhere easily. That's the reason. तो इस रशियन भाई साहब से बात करने के बाद मैं थोड़ा बाहर की तरफ चलता हूँ, और ये नॉर्थ गोवा का बेस्ट बीच है। अगर आप भी टूरिस्ट प्लेसेस जाना चाहते हैं, गोवा के विजिटिंग प्लेसेस जाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप अरंबुल बीच की नाइट पार्टी, नाइट लाइफ एंड अरंबुल बीच की रशियन पार्टी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।